Good morning, students. So yesterday we finished our first topic of parameters of concentration, and let's start our second topic, that is solubility. तो solubility क्या होती है, इसको discuss करने के लिए हम simple example ले लेते हैं. ऐसे मान लेते हैं मैंने ना यहाँ पर 10 ml water लिया हुआ है, और 10 ml water में पहले मैंने 2 g sugar डिज़ोल्व की, ठीक है, वो डिज़ोल्व होगी. फिर मैंने और शुगर डाली, डिज़ोल्व होगी, ठीक है. फिर मैंने टोटली 10 g शुगर डाल दी, तो वो डिज़ोल्व हो गई है. लेकिन उसके बाद जब मैंने और अमाउंट डालने की कोशिश की शुगर की, तो वो डिज़ोल्व नहीं हो रही है, ठीक है. तो मैक्सिमम शुगर इसमें कितनी डिज़ोल्व हुई है, ओनली 10 g. तो वो 10 g शुगर जो डिज़ोल्व हुई है, वो बन गई है इस सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी. तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है. किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, वो बन जाती है उसकी सॉलिबिलिटी. लेकिन जनरली हम स्टैंडर्ड जो लेते हैं ना सॉल्वेंट का अमाउंट, वो हम लेते हैं 100 g, या बोलेंगे 100 ml. तो 100 ml में जितना ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व हो जाएगा, वो बन जाएगी उसकी सॉलिबिलिटी. क्लियर. सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, देर आर सम फैक्टर्स जिनके ऊपर सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है. फैक्टर्स कौन कौन से, टेम्परेचर है, प्रेशर है, और नेचर ऑफ सॉल्यूट. तो ये फैक्टर्स ना हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब हम सॉलिबिलिटी जो है वो वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. जब हम एक सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे, और बाद में एक गैस को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे, तो उनमें वन बाय वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस. फर्स्टली वी आर टेकिंग सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है. सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्लियर. तो आप लोगों ने प्लस वन में भी मैंने बताया था आप लोगों को, लाइक देयर इज अ सेंटेंस वर्ड है एक, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है. यानी कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों की आपस में नेचर जो है वो क्या करेगी, नेचर अगर मिलती है, तो दोनों ही आपस में अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है. जैसे कि अगर मैं बात कहूँ आयनिक कंपाउंड्स की, वो पोलर होते हैं, ठीक है, तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे, क्लियर. और ज़रूरी नहीं आयनिक कंपाउंड्स ही हैं, देयर आर सम कोवलेंट कंपाउंड जो पोलर नेचर के होते हैं, तो वो भी अच्छे से पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगे. तो पोलर सॉल्वेंट हमारे पास कौन है, बहुत ही सिंपल, वाटर. अगर मेरे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, तो वो वाटर की बजाय अच्छे से डिजोल्व किस में होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. जैसे कि मेरे पास बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक, कार्बन डाइसल्फाइड्स है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. क्लियर हुआ ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट की आपस में नेचर टैली मिलेगी, तो वो अच्छे से आपस में डिजोल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट आपके पास फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिबिलिटी में. अच्छा, आप लोगों को पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो या तो हीट रिलीज होती है, यानी कि या तो वो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, या तो हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि या तो होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्लियर. तो इन दोनों ही टाइप की रिएक्शंस में टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा. अगर कोई भी सॉल्यूट है, ठीक है, और उसको आपने सॉल्वेंट में ऐड किया है, और वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी कि आपका आप टच कर सकते हैं बीकर, अगर जो है वो कूल हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है, तो इट मींस इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऐसी कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो डेफिनेटली ये जो है एनहांस करेगा उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी को, ठीक है. आप लोगों ने ली चैटलिया प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, और ली चैटले प्रिंसिपल भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, दे आर मोर फिजिबल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो वो चलेंगे फॉरवर्ड में. अब हम लेते हैं सेकंड कैटेगरी में.
सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिविंग सॉल्यूशन, अगर हीट रिलीज हो रही है यानी कि इफ़ इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उस कंडीशन में लीच एटली लगाएंगे दोबारा से प्रिंसिपल, तो उस प्रिंसिपल ने कहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फिजिबल एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ चलेगा, बैकवर्ड में, यानी कि जो सॉल्यूट डिजोल्व हो चुका है वो अनडिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर हाई करने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज नॉट कॉन्स्टेंट, डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। क्लियर हुआ। सेकेंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जब आप ना सोल्यूट एक सॉलिड लेके चल रहे हैं, उसमें सॉल्वेंट तो लिक्विड ही ले रहे हैं हम, तो सॉलिड सोल्यूट में प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो नहीं होता है, क्योंकि एज वी नो दैट कि सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं होते हैं, तो इस वजह से जो प्रेशर का इफेक्ट होगा वो सॉलिड्स में वो नेग्लिजिबल रहेगा। देर इज़ नो एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। अब हमने सॉल्यूट चेंज कर दिया, अब हमने क्या लिया है, सॉल्यूट गैस लेके चल रहे हैं, एंड द सॉल्वेंट इज अगेन लिक्विड, ठीक है। तो जब ना हम किसी गैस को किसी लिक्विड में ऐड करते हैं ना, तो सॉलिबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, देयर आर सम फैक्टर्स जिन पे ये सब सॉलिबिलिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो वन बाय वन ही फैक्टर डिस्कस करते हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, देयर आर सम गैसेस ना जो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है, दीज आर द गैसेस विच आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। एंड देयर आर सम गैसेज जो कि कम सॉल्युबल हैं, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट यानी कि गैस कौन सी लेके चल रहे हैं। एक्चुअली देयर आर सम जो गैसेज ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, वो सॉल्युबिलिटी उनकी ज़्यादा पता क्यों होती है, क्योंकि वो वाटर में जाके ना कोई केमिकली रिएक्शन या केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे कि CO2 जो है इट मिक्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, फिर HCl जो है ये भी जब वाटर में डालते हैं तो HCl जो है ये पॉलर कंपाउंड है, ठीक है, और वाटर भी पॉलर हमारे पास कंपाउंड है। अब पीछे हमने पढ़ा कि पॉलर पॉलर नेचर सेम है, तो आपस में क्या होंगे, अच्छे से ये डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नाइट्रोजन नॉन पोलर है, ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, और कोई बॉन्ड भी नहीं बनाते हैं ये, ठीक है, वाटर के साथ, तो इनकी सॉलिबिलिटी वाटर में कम होती है, लिक्विड में कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पैरामीटर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कस करने के लिए हेनरी साइंटिस्ट था, जो प्लस वन में भी आपने इसका लो पढ़ा है, हेनरीज लो। ये कहता है कि जब ना हम किसी गैस को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किसी लिक्विड में, तो वो उतना ही ज़्यादा उसका जो मास होगा ना गैस का, वो उतना ही ज़्यादा होगा लिक्विड में जितना उसके ऊपर हम, उसके सरफेस के ऊपर हम क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। द मास ऑफ अ गैस डिजोल्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट्स सरफेस। क्लियर हुआ। ये आपके पास क्या था, हेनरीज लॉ था, और मैथमेटिकली वी हैविंग मास ऑफ द गैस स्मॉल एम के साथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, पी मीन्स प्रेशर, ठीक है। अच्छा एक बात है ना, अगर किसी भी गैस का ज़्यादा, जितना ज़्यादा मास सॉल्युबल होगा, क्या मैं इसको सॉल्युबिलिटी बोल सकती हूँ, है ना, ज़्यादा मास डिजॉल्व हो रहा है यानी कि दैट इज़ इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इस हेनरी लॉ को, कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। क्लियर। अच्छा देखो, जितनी सॉल्युबिलिटी होगी ना किसी गैस की, इसका मतलब क्या हुआ, उस सॉल्यूशन में उतने ही ज़्यादा मोल्स होंगे प्रेजेंट उस गैस के, ठीक है, और मोल्स की कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास एक बहुत ही सुटेबल पैरामीटर रहेगा, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं,
जितनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी यानी कि उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स और उतने ज़्यादा होंगी उसकी मोल फ्रैक्शन। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं ना हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें कोई एक गैस नहीं है, बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, तो हर गैस के ऊपर क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। हर गैस अपना क्या एग्जर्ट कर रही है? प्रेशर। तो हर एक गैस के लिए हम जो प्रेशर वर्ड यूज़ करते हैं, इन प्लेस ऑफ प्रेशर वी यूज़ द वर्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो डाल्टन ने इस लॉ को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इसको मॉडिफाई किया, और इसने ये लॉ जो है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन कहा, इसने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर होगा ना, यहाँ से देखते हैं, जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, ठीक है, अब बहुत सारी गैसेस हैं तो मैंने क्या वर्ड यूज़ कर लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, सेम वही है, बस थोड़ी सी वर्डिंग हमने चेंज की है कि किसी सॉल्यूशन में किसी गैस के उतने ही मोल फ्रैक्शन होंगे जितने जितना कि उस गैस के ऊपर क्या लग रहा होगा, पार्शियल प्रेशर, या उस गैस का होगा अपना पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मैथमेटिकली ये बताया है पी ए, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, ए ले ली मैंने कोई भी गैस, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट ए। वैसे ही अगर मेरे पास कॉम्पोनेंट बी होगा तो उसके लिए क्या बन जाएगी इसका फॉर्मूला, पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने के लिए ही यूज्ड अ साइन दैट इज के एच एंड दिस इज इक्वल टू हेनरीज कॉन्स्टेंट। ये किसके इक्वलेंट है? हेनरीज कॉन्स्टेंट के इक्वलेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हेनरीज लॉ की मॉडिफिकेशन, देयर इज वन मोर हेनरी लॉ। ठीक है, अब देखो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेशन में आ रहे हैं ना, तो मैंने HCl का ही, अगर HCl का मैंने गैस का अगर मुझे पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बना रहा है तो अल्टीमेटली इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ज़रूरी नहीं है HCl ही लो, आप किसी के लिए भी बनाओगे तो वो कैसी आएगी, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही आएगी। क्लियर हुआ? ये जो KH है ना, ये हर गैस का अपना अपना, इनकी हर सब गैसेस के लिए डिफरेंट वैल्यू देगा। ये CO2 के लिए इसी KH की वैल्यू कुछ अलग से होगी, N2 के लिए KH की वैल्यू कुछ अलग से होगी। ठीक है, और मान लेते हैं कि मैंने CO2 के लिए ही KH की वैल्यू नोट डाउन की, तो किसी एक टेम्परेचर में कुछ और होगी, और अगर मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो वो कुछ और होगी। यानी कि एक गैस के लिए भी KH की वैल्यू फिक्स्ड कब रहेगी, जब हम टेम्परेचर रखेंगे कांस्टेंट, अदरवाइज डिफरेंट टेम्परेचर्स में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ KH आएगी। अच्छा, यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है KH XA के बीच में, KH प्रोपोर्शन कैसा आ रहा है, इन्वर्सली आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी गैस, कोई गैस, वो जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी, यानी कि जिस गैस की जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि उसके लिए KH की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट हेनरीज लॉ। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, एप्लीकेशंस यानी कि कहाँ कहाँ पे आप हेनरी लॉ यूज़ कर सकते हैं, इन बीवरेजेस, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बीवरेजेस हैं, इनमें आपको पता कि CO2 गैस यूज़ होती है और वो सील किए जाते हैं अंडर हाई प्रेशर। आप अगर क्या करो, उसकी लीड खोल दो, ओपन कर दो और उसको रहने दो ऐसा एज सच, और उसको पियो ना, ठीक है, आफ्टर सम टाइम उसका टेस्ट अलग सा हो जाता है। बिकॉज क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती थी, जो डिजॉल्व थी, वो क्या एस्केप कर जाती है फ्रॉम द सरफेस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने उसकी सील को हाई प्रेशर में सील किया था, प्रेशर हाई था उसके सरफेस के ऊपर, उस टाइम पे CO2 की सॉल्युबिलिटी भी क्या थी, ज़्यादा थी। प्रेशर कम हुआ ना, जब आपने लिड ओपन कर दिया, प्रेशर कम हो गया, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, तो वो CO2 गैस क्या करगी, एस्केप करगी फ्रॉम द सरफेस। देन एक और सेकेंड एप्लीकेशन क्या, एट हाई एल्टीट्यूड्स पीपल सफर फ्रॉम द डिजीज एनोक्सिया। अच्छा, क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड्स में वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, एज वी नो दैट, ठीक है, और प्रेशर कम होने से जो ऑक्सीजन गैस है वहाँ पे, ठीक है, हर सब जगह है, एयर है, जो ऑक्सीजन गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, है ना, सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि प्रेशर क्या है, कम है, तो इस वजह से सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से वो फील करते हैं, वो
वो खुद को ना बहुत ही वीक फील करते हैं और उनकी थिंकिंग एबिलिटी जो है थोड़ी सी लो हो जाती है। और ये जो डिजीज़ होती है, व्हेन द पीपल डू नॉट थिंक प्रॉपरली एंड दे फील वीक, दिस डिजीज़ नॉन एज एनोक्सिया। जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं जो अंडर द वाटर जाते हैं, ठीक है, दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर एज वी नो, और उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ ना हीलियम गैस भी मिक्स्ड होती है, ठीक है। हीलियम गैस जो है वो मिक्स क्यों होती है, क्योंकि एज वी नो जब वो नीचे जाएंगे अंडर द वाटर जाएंगे, ठीक है, तो वो बाय चांस मे बी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि जो वाटर के अंदर एज वी नो ऑक्सीजन गैस भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी है, तो मे बी वो उसको इनहेल कर लें, ठीक है, या वाटर के थ्रू उनकी बॉडी के अंदर चला जाए, ठीक है। तो नाइट्रोजन की जो सॉलिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज नाइट्रोजन का प्रेशर क्या होगा वहाँ पे अंडर द वाटर, हाई है, इस वजह से वो ना बॉडी में टैग्ड रहती है। और ऑक्सीजन जो है इसकी सॉलिबिलिटी कम होती है, तो पहले ये सिंपल जाके बनाएगी ऑक्सीहीमोग्लोबिन, उसके बाद टिश्यूज़ में एज सच ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से क्या होता है, डिटैच हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन अभी भी जो है वो अटैच रहती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और जब हम सरफेस पे आते हैं, जब वो सरफेस पे आएंगे तो वो उस टाइम पे द प्रेशर कम हो जाता है नाइट्रोजन गैस का, और इस वजह से वो बबल्स की फॉर्म में नाइट्रोजन गैस निकलती है, और इस वजह से देयर इज़ अ डिजीज़ नॉन एज बेंड्स और डीकम्प्रेशंस, जिसमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। ये जो है सफ़र करते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, इस वजह से हीलियम गैस जो है फिल्ड रहती है ऑक्सीजन सिलेंडर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स में, ताकि वो नाइट्रोजन गैस की सप्लाई को कट कर सकें, बिकॉज एज वी नो दैट हीलियम गैस जो है नॉबल गैस है, ये जो है नाइट्रोजन की सप्लाई को कट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले तो ना, जब भी आप किसी गैस को सॉल्वेंट में किसी भी लिक्विड में ऐड करते हो तो रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। ऐसा क्यों? गैस है हाईली एनर्जेटिक है, हैविंग वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, जब आपने इसको लिक्विड में ऐड किया, ठीक है, तो डेफिनेटली वो लिक्विड में जब मिक्स हो रही है तो लिक्विड फॉर्म में आ रही है, तो उसने क्या किया, उसने एनर्जी लूज़ की है, उसने हीट लूज़ की है, तो हीट रिलीज़ हुई है, तो इट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो इस वजह से टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या रहेगा, फिर से हम लगाएंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो जब भी आप किसी सॉल्यूशन में जिसमें हमने गैस डिसॉल्व की हुई है टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो वो बैकवर्ड में चलेगा, यानी कि जो अगर जो गैस डिसॉल्व हो चुकी है वो अनडिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसका बड़ा ही सिंपल आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होते हैं दे फील मोर कम्फर्टेबल इन विंटर एज़ कम्पेयर टू समर, ठीक है। गर्मियों में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक स्पीशीज़ अंडर द वाटर रहते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में जो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। बिकॉज गैस की क्या बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और वह एस्केप कर जाएगी वाटर के सरफेस से, ठीक है। तो एक्वेटिक स्पीशीज़ को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन, तो वहाँ पे उसकी क्या डेफिशिएंसी हो जाएगी, दैट्स व्हाई दे फील अनकंफर्टेबल इन समर, क्लियर। अच्छा, अब आप न्यूमेरिकल है एक, या आपने एज असाइनमेंट क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को मैं, हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप, 1.67 इंटू 10^8 पास्कल एट 298 केल्विन, ठीक है, ध्यान से नोट कर लो इसको। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर
CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, हेनरी लॉ पे बेस्ड है न्यूमेरिकल ये। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाई डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक। वेन एवर वी डिजोल्व एनी गैस इन लिक्विड इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो आपने ये दो असाइनमेंट क्वेश्चंस करके लेके आने हैं।